Hello friends, welcome to my channel Ice Everywhere। दोस्तों, हमें कई बार देखने को मिलता है कि जब हम नए सेलिंग फैन को लाते हैं तो वो काफ़ी अच्छी स्पीड पर घूमता है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी स्पीड काफ़ी कम हो जाती है। तो आज की ये वीडियो में मैं आपको सेलिंग फैन स्पीड में कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है उनके बारे में बताऊँगा। आज मैं आपको मुख्य 5 कारण बताऊँगा जिसके कारण सीलिंग फैन की स्पीड कम हो जाती है। पहला पॉइंट है वोल्टेज कम आना। अगर कभी आपके घर के वोल्टेज कम आ रहे हैं तो इसका सीधा असर आपके फैन पर पड़ेगा, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रिक मोटर की स्पीड वोल्टेज पर ही निर्भर करती है। अगर वोल्टेज कम आएंगे तो स्पीड कम ही हो जाएगी, और वोल्टेज पूरे आएंगे तो स्पीड अच्छी खासी आपको मिलेगी। वोल्टेज कम की समस्या से बचने के लिए हमारे पास 2 उपाय है। पहला, आप आपके बिजली प्रोवाइडर कंपनी को वोल्टेज कम मिलने की समस्या दर्ज करवा सकते हैं। इसके बाद जब आपके वोल्टेज पूरे आने लगेंगे तो फैन की स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। अब दूसरा पॉइंट है, आप अपने फैन में लगे कैपेसिटर की वैल्यू को बढ़ाकर फैन की स्पीड बढ़ा सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है, वो है सीलिंग फैन का जाम होना। सीलिंग फैन के जाम हो जाने पर भी आपके फैन की स्पीड कम हो जाती है। इसको चेक करने के लिए आपके फैन को स्विच बंद कर देना है और फिर बाद में फैन को अपने हाथों से घुमाकर चेक करना है कि फैन आसानी से घूम रहा है कि नहीं। इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आपके फैन जाम चल रहा है तो आपके सीलिंग फैन को ग्रीसिंग की ज़रूरत है। तीसरा और बड़ा प्रॉब्लम है, वो है बेयरिंग प्रॉब्लम। आपके फैन की स्पीड क्या रहेगी यह बेयरिंग पर ही काफ़ी निर्भर होता है। अगर फैन की बेयरिंग खराब है तो फैन काफ़ी धीरे चलेगा और कुछ समय बाद वह खराब भी हो सकता है। फैन बेयरिंग चेक करने के लिए आपको सबसे पहले फैन को चला देना है, और अब आपको कानों से फैन की आवाज़ सुननी है कि उसमें से कोई अलग आवाज़ तो नहीं आ रही, क्योंकि बेयरिंग के खराब होने पर फैन में से कट कट की तरह आवाज़ आती है। उसका सॉल्यूशन ये है कि अगर इस तरह की कोई आवाज़ आती है तो आपको फैन को सीधा रिपेयरिंग शॉप पर ले जाना है और सीलिंग फैन को खोलकर देखना है कि बेयरिंग खराब है या नहीं। अगर बेयरिंग खराब है तो उसको सीधा चेंज कर देना है। इसके बाद प्रॉब्लम है, वो है कैपेसिटर का खराब होना। अगर आपके फैन काफ़ी ज़्यादा धीरे चल रहा है तो इस समय ज़्यादातर चांस कैपेसिटर के खराब होने के ही होते हैं, लेकिन आप हमेशा लाइन से चलिए। सबसे पहले ऊपर की 3 चीज़ों को चेक कीजिए, अगर वह सभी सही है फिर भी फैन धीरे चल रहा है तो आप अपने कैपेसिटर को चेक कीजिए। कैपेसिटर को चेक करना काफ़ी आसान है। इसके लिए आपको सबसे पहले फैन से कैपेसिटर को खोल लेना है। इसके बाद आपको कैपेसिटर के दोनों वायर को एक फेज और एक न्यूट्रल सप्लाई से जोड़ देना है। यह सप्लाई आप कैपेसिटर में 2-3 सेकंड तक देंगे। इसके बाद आप इन दोनों वायर को निकाल लेंगे और फिर दोनों वायर को आपस में भिड़ाकर देखेंगे। अगर इस समय आपको एक तेज़ आवाज़ सुनने को मिलती है और साथ में एक तेज़ स्पार्क देखने को मिलता है तो आपका यह कैपेसिटर सही है, और अगर नहीं तो आपको यह कैपेसिटर बदलना होगा और आपके कैपेसिटर में प्रॉब्लम होगा। लास्ट और बड़ी प्रॉब्लम है, वो है फैन शटर की समस्या। अगर आपके सेलिंग फैन में बताई गई चारों में से कोई समस्या नहीं है तो अब आपको फैन शटर को चेक करना है। स्टेटर मोटर का वह भाग होता है जिस पर वाइंडिंग को किया जाता है। अगर इस स्टेटर की पत्तियों के अंदर अगर गैप आ जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड अच्छे से बन नहीं पाती, और अगर मोटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड सही से नहीं बनेगी तो पंखे की स्पीड कम ही आएगी। पंखा खराब होने का ये बेसिक प्रॉब्लम है और उनका सॉल्यूशन है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।